नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के अंदर आपको ले चलने के पहले सबसे पहले नजर डालिए आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। 3 दशकों से बंद पड़े गोरखपुर के फर्टिलाइजर में वापस आई जान। लेवलिंग का काम हुआ पूरा, अब होगा सिर्फ और सिर्फ निर्माण। हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव की विशेष कवरेज। मंगलवार की देर रात कोतवाली के नशे में धुत सिपाही ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी रूम में की तोड़फोड़। मदहोशी में मचाया उत्पात, डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध। आरोपी पुलिस कर्मी हुआ गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इंसेफ्लाइटिस जन जागरूकता रैली को किया रवाना। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 गांव के नोडल ऑफिसर पीएन शुक्ला ने किया दौरा। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने निकाली रैली, मांगों के संदर्भ में सौंपा ज्ञापन। मलिन बस्तियों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने मनाया परशुराम जयंती, कहा लोकतंत्र की स्थापना में परशुराम का रहा था विशेष योगदान। अक्षय तृतीया पर जमकर हुई सोने और चांदी की खरीदारी, ग्राहकों से पटी रही शहर की प्रमुख ज्वेलरी की दुकानें। सनातन ब्रह्म सभा ने मनाई परशुराम जयंती, जनमानस को परंपराओं से जुड़े रहने की अपील। राप्ती कॉम्प्लेक्स में अतुल्य आयुर्वेदा के फ्रेंचाइजी एवं रिटेल काउंटर का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैनिक बंधुओं की बैठक, उनके शस्त्र लाइसेंस को भी ऑनलाइन करने के लिए दिए निर्देश। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल बने यूपी के नए SC/ST आयोग के अध्यक्ष। जल्दी बनेगा टेराकोटा गोरखपुर की पहचान, दूर होगी तकनीकी परेशानियां। और विश्वविद्यालय के MSc बॉटनी के अंतिम वर्षों के विद्यार्थियों की हुई विदाई समारोह। अब खबरें विस्तार से। बड़े ही संयोग से अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक साथ इस बार पड़ा है, और उससे भी ज्यादा संयोग और सुखद घटना तब हुई जब गोरखपुर का फर्टिलाइजर के कारखाने की धड़कनें फिर से धड़कने जा रही हैं। जी हां, 3 दशकों से बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाने को अक्षय तृतीया के दिन विधिवत पूजन अर्चन करके उसके पाइलिंग का काम शुरू हो गया। यानी अब ये कारखाना जो कि इतिहास के पन्नों के गर्त में धूल चाट रहा था, अब वर्तमान का सच बनने जा रहा है, और इसके भविष्य के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। बुधवार को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के मौके पर तीसरा सुखद समाचार देने वाली इस घटना को गोरखपुर न्यूज ने विशेष तौर पर कवर किया। हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन करने वाला यह फर्टिलाइजर का कारखाना 90 के दशक के बाद अब दोबारा लोगों के घरों में चूल्हों को जलाने और पेट की आग बुझाने को तैयार है। इसके लिए इसने अपनी पहली दस्तक दे भी दी है। भूमि का समतलीकरण किया जा चुका है, पाइलिंग के लिए विदेश से मशीनें मंगाई जा चुकी हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कारखाना 2020 में फिर से चल पड़ेगा और खुल जाएगी पूर्वांचल के बेरोजगारों की किस्मत। अक्षय तृतीया के इस अवसर पर फर्टिलाइजर के कर्मचारियों के साथ साथ गोरखपुर न्यूज भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनते हुए देखा गया। इस मौके पर FCL के GM AN तिवारी, डिप्टी GM गोकुल सिंह, सुबोध दीक्षित, हरिद्वार पांडे, SSB के DIG रंजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे। नए सिरे से बनने वाले इस कारखाने में मशीनें लगाने की जिम्मेदारी जापान की कंपनी को मिली है। कार्यदायी संस्था
HURL यानी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड ने जापान की टोक्यो की कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। जब इसके बारे में गोरखपुर न्यूज ने HURL के महाप्रबंधक राम कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया, चालू जिसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया था।
2020 से बनना शुरू हुआ है, उसके हिसाब से हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं। कितने दिनों तक ये काम चलेगा सर? ये काम हमारा प्रोजेक्ट है, 3 साल का है, और दिसंबर 20 में जो यूरिया बननी है, दिसंबर 20 में यूरिया हमारा बनना शुरू हो गया, फाइनल हो गया है। अभी तक कितने काम हो चुके हैं करीब? अभी तक हमारा साइड लेवलिंग का काम चालू खत्म हो चुका है और पाइलिंग का काम चालू हो गया है। पाइलिंग का काम हमारा दिसंबर जनवरी 18 से कम्प्लीट हो जाएगा। उस बाद पाइल ब्रेकिंग करेंगे, फाउंडेशन तोड़ेंगे, मॉडल बनाएंगे और उसके बाद हमारी मशीनें होंगी। जिला अस्पताल में मंगलवार की रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब इमरजेंसी में अपना इलाज कराने आए सिपाही ने शराब के नशे में तांडव करना शुरू कर दिया। मंगलवार की रात लगभग 2 बजे जिला अस्पताल में कोतवाली थाना अंतर्गत एक सिपाही ने जमकर उत्पात मचाया। सिपाही ने वहां के कर्मचारियों के साथ हाथापाई की और इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़े, कुछ कागजातों को भी फाड़ दिया। ये सब उसने शराब के नशे में धुत होकर जमकर बवाल काटा। इसी के विरोध में जिला अस्पताल के इमरजेंसी सहित सभी डॉक्टरों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर काम किया ताकि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित ना हो सके। इमरजेंसी में काम कर रहे बुधवार की सुबह डॉक्टर ए के गर्ग ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, हो गए अब मुझे कब आना है। की बात है, आप क्या हो गया रात में जो है जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिसका आप ये शीशा वगैरह टूटा उसका आप देख रहे होंगे। घटना के विरोध में हम लोग काली पट्टी कहाँ के थे, वो लोग कहाँ से आए? कोतवाली ये पुलिस डिपार्टमेंट। उधर इस घटना के बारे में जब गोरखपुर न्यूज ने जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने पूरी घटना का क्रमवार विवरण देते हुए बताया। इमरजेंसी में डॉक्टर राकेश कुमार तैनात थे, उन्हीं उस समय ड्यूटी में कोई एक सिपाही जो है वर्दी में थे नशे की हालत में आए और जरा सा सर में चोट लगी थी। जब तक इलाज करें उस समय वो अनाप शराब बकने लगे और कुर्सी में पटकने लगे, शीशा दरवाजे का तोड़ दिया और तमाम रजिस्टर फाड़ दिए। जब तक उन्होंने जो भी मना करे सबको झड़क देते थे, डॉक्टरों को अकबक अकबक बोलने लगे। तो डॉक्टर ने 100 नंबर पर फ़ोन किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कोतवाली में फ़ोन किया तो 2 सिपाही आए, तो सिपाहियों ने भी जो है उसको मना करने को उसको रोकने की बजाय और डॉक्टर को ही पकड़ के खींच के ले जाने लगे, कालर पकड़ के खींच लिया, डॉक्टर की कालर फट गई थी और ले गए कोतवाली में ले जाओ। और एक मरीज उस समय इमरजेंसी में सांस से स्टेशन पर लेटा हुआ था, उसके इलाज कर रहे थे, उनको पकड़ के ले जा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मरीज का इलाज कर रहे हैं, छोड़ के इमरजेंसी चले जाएंगे, मुझे उच्च अधिकारियों को फ़ोन करने दीजिए। मुझे फ़ोन किया गया, मैं गया, तब तक उन लोगों ने आपस में भी डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर लोग आए, मैंने CEO कोतवाली को फ़ोन किया, SP CT को फ़ोन किया कि आप लोग इस मामले को देखें। CEO CT आए और ये हुआ कि जो सिपाही है उसका मुआयना किया जाए। वो सिपाही जो नशे में था उसका मुआयना किया जा रहा था। मुआयने के समय जो उन्होंने तहरीर लाई थी कोतवाली में, उसको लगा के डॉक्टर शाहनवाज मुआयना कर रहे थे। CEO और इंस्पेक्टर कोतवाली के सामने ही वहाँ बहुत सारे लोग थे, सबके सामने ही उसने पूरा पकड़ के फाड़ दिया, उसके बाद भी
इतने अधिकारियों के सामने पाने के बाद भी जो है कोई उस समय तात्कालिक कार्रवाई नहीं की गई। तो डॉक्टरों का आरोप यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज किया जाए। हम करेंगे जिस तरह से घटना हो रही है उसको देखते हुए तो मांगना क्या उचित बनता है इमरजेंसी में सुरक्षा। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो नशे की हालत में था, उन्होंने मेमो बना के कोतवाली से उसका परीक्षण करवाया जा रहा था मेमो बना के, और डॉक्टर परीक्षण कर भी रहे थे। अभी आधा पूरा परीक्षण था तभी सबके सामने ही उसने पूरा पकड़ के पन्ना फाड़ दिया, रजिस्टर फट गया। वो मेरे कस्टडी में हो सारे रजिस्टर मेरे कस्टडी, और उसके पहले जब कोई भी नहीं आया था जब वो अकेले था तभी मेज पर रखे हुए रजिस्टर को उसने फाड़ा था, वो सभी मेरे कस्टडी में। इस घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बातचीत करते हुए SSP शलभ माथुर ने विशेष तौर पर बताया कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में तैनात सिपाही से इलाज कराने को लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक से झड़प हो गई थी। जांच के बाद आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे उन्होंने बताया, ये कल रात में करीबन 1:30 बजे के आसपास इमरजेंसी के अंदर एक कांस्टेबल जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जो है उनका डॉक्टर से विवाद हुआ। इस संदर्भ में जो ये पर्टिकुलर कांस्टेबल है ये मऊ जिले के दोहरीघाट थाने के ऊपर तैनात है, और अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ से जो है बिना परमिशन के यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उनका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद फिर वहाँ पर और भी पुलिस बल पहुँचा, उसके बाद क्षेत्राधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट भी पहुँचे। वहाँ पर डॉक्टर्स की तहरीर के आधार पर इनके खिलाफ़ FIR हुई है, कुछ और पुलिसकर्मी के खिलाफ भी हुई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कांस्टेबल है इनका प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है और इनकी विधिक कार्रवाई करते हुए जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है। जो प्रशासनिक रिपोर्ट है वो कंसर्न जिले मऊ को प्रेषित की गई है और इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई गुण दोष के आधार पर की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम सामान्य। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय से दस्तक अभियान के तहत इंसेफ्लाइटिस जन जागरूकता रैली को जिलाधिकारी KVJN पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उपस्थित छात्र छात्राओं के हाथों में स्वच्छ अभियान के तहत साफ सफाई और बचाव से संबंधित तख्तियों पर स्लोगन लिखे हुए थे और बच्चे नारे लगाकर स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। रैली में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों से आए छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सामाजिक संगठन और भारी संख्या में आशा कार्यकर्त्री ने हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे दस्तक अभियान के तहत दिमागी बुखार से बचाव के लिए साफ सफाई संबंधित इस अभियान को चलाया गया, जो कि 2 अप्रैल से शुरू हुआ और आज यानी बुधवार को 1 पखवाड़ा बीत जाने के बाद उसी के उपलक्ष्य में जन जागरूकता निकाली गई। इस मौके पर जिले के विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर मंडलायुक्त अनिल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रैली को संबोधित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी KVJN पांडे ने बताया, सर यहाँ उपस्थित सभी साथियों, मीडिया साथियों, आप जानते हैं 2 तारीख तब माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से ये अभियान दस्तक चलाया गया, तो 16 तारीख तक इसका पखवाड़ा मनाना था, इसे 16 तारीख तो खत्म हो गया है। आज ये टोकन इसलिए मना रहे हैं ताकि ये केवल पखवाड़ा के रूप से ना रह जाए, ताकि इसका बीमारी अभी भी प्रभाव है और उसको जून जुलाई तक इसका प्रभाव पड़ेगा। आज ये रैलियां निकल रहे हैं इसका मकसद यही है ताकि ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हम लोग के साथ हैं, तकरीबन 5,000 बच्चे यहाँ अभी असेंबली में है। उसी के अलावा जनपद में विभिन्न स्थल से भी रैलियां निकल रही है। आज ये एक तरफ मैसेंजर है हमारा, ये दूत है, इन लोग मैसेंजर है, इन लोग अपने अभिभावक को बता देंगे, अपने साथियों को बता देंगे, आसपास मोहल्ला वाले को बता देंगे ये JEE क्या बीमारी है, इसको बचाने के लिए क्या क्या तरीका है। किसी का तो बुखार अचानक चढ़ जाता है तो तुरंत जिला अस्पताल लेके आना है। तो कितने 144 गांव हम लोग के चिन्हित गांव है, जो हाईली अफेक्टेड विलेज है, पहले जो आइडेंटिफाइड है उसी के ऊपर भी अभियान चला करके हमने सफाई का अभियान कराया।
बट फिर भी ये अभियान जारी रहेगा, जन जागरूकता रैली एक तरफ से, एक किसी को भी बच्चे का कभी भी बुखार चढ़ता है तुरंत उसको जिला अस्पताल लेके आना, किसी के झोला चाप, किसी के मेडिकल अस्पताल आसपास किसी का अपने इलाज नहीं करना है, सीधे सीधे आकर के यहाँ कराना है। आपसे यही निवेदन है, ये हम लोग का अभियान है, इस बार एक भी बच्चे के मरने नहीं देना है, एक तरफ से जुड़ करके उससे जुड़ जाइएगा। सारे बच्चे इसी जनपद का 50 लाख का जो आबादी है, एक एक बच्चे हम लोग के ही बच्चे हैं, उससे अपनापन के साथ ये रैली निकालेंगे ताकि इस साल एक भी बच्चे के इसी बीमारी से मरने नहीं देंगे। जी हम पूरा विश्वास है इस बार हम और उससे आगे जाएंगे, और जो एक प्रयास होना चाहिए कि हम घर घर तक इंसेफ्लाइटिस की जो दिक्कतें हैं उनके जो बचाव के उपाय हैं, कैसे उससे बचा जा सके और क्या हमें करना चाहिए, वो घर घर तक संदेश पहुँचाए। Thank you.
आप जानते हैं JEE प्रभावित क्षेत्र है, 2 तारीख से 16 तारीख तक पखवाड़ा मनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका प्रारंभ किए थे, पर पखवाड़ा तो समाप्त हो गया। इसको एक तरफ एक अभियान जन आंदोलन की तरफ से हम लोग ये रैलियाँ निकल रहे हैं, इस पर तो करीब 5,000 से 6,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये हर जनपद में हर विभिन्न स्थल से ये रैली निकलेगा, ये घर घर जाएंगे। एक तरफ से ये मैसेंजर है, ये इन लोगों को संदेश देंगे जो इसका बीमारी कैसे बचा सकते हैं, आगे जो आने वाले पीढ़ी को भी एक तरफ संदेश है ये कैसे इस बीमारी से बचा सकते हैं, इसी का उद्देश्य ये रैलियाँ निकल रही है। शासन के निर्देश पर ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत गोरखपुर में चयनित 86 गांवों में से बिशनपुरवा और भटहट में नोडल ऑफिसर PN शुक्ला, डिप्टी सेक्रेटरी कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने लोगों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान की बात की। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह से तमाम विभाग मिलके लगते इसको अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आज उसके बीच में पर्व का तारीख भी अलग अलग अभी से अभियान लेके जा रहे हैं, ये तो मई 5 तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान के तौर से आप ये गांव है विष्णुपुर, ये भी शामिल है, ये सौभाग्य की बात है। इस गांव में 16 तरह का जो योजना है हर घर में हम पहुंचा देंगे। मान लीजिए किसी का बिजली कनेक्शन चाहिए, सौभाग्य योजना के अंदर बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। LED लाइट लगाना है वो सस्ते LED लाइट लग जाएगा। किसी का राशन कार्ड नहीं बनी है वो भी बन जाएगा पात्रता के अंदर। किसी का पेंशन का समस्या है वो पेंशन, जो विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वो बन जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति की गोरखपुर की इकाई ने अपनी मांगों को लेकर पैदल रैली का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व जनपद प्रवक्ता अखिलानंद ने किया। प्रदर्शनकारी जल निगम के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रशासकीय विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तर्ज पर सृजित किया जाए। इन मांगों में से इनकी एक और प्रमुख मांग है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुति इन जल निगम के कर्मचारियों पर भी लागू की जाए। अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे जल निगम के कर्मचारी अपने कार्यालय से होते हुए अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मांग संबंधी ज्ञापन को सौंपा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निगम के गोरखपुर इकाई के प्रवक्ता अखिलेश आनंद ने कहा, हमारे जल निगम विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने के लिए हमारी पूरी मांग है, जिसको इसको PHED में डेवलप किया जाए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हम लोग उन्हीं के बराबर मेहनत करते हैं, उन्हीं के बराबर काम करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ ये मतलब हमेशा विश्वास हम लोग का पूरा बना रहता है विभाग के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए ये विभाग पूरी तरह से सक्षम नहीं, हम लोग को जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाता है। 1975 में विभाग घोषित किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद से इसको अलग कर दिया गया है। इस संबंध में क्या आज आप ज्ञापन देने आए हैं? ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे यही है कि हमारे पूरे जल निगम परिवार को PHED में बदला जाए, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बदला जाए। हमारे लगभग 50 महीने के छठे वेतनमान का एरियर बाकी है वो दिया जाए, और हमारे सप्तम वेतनमान लागू नहीं हुआ है उसको भी लागू किया जाए। इसके साथ ही जो हमारे पेंशनर भोगी हैं उन लोगों को हमारे ऑफिस आना पड़ता है, उन लोगों का
जो तनख्वाह है वो ट्रेजरी से कर दिया जाए कि उनको समय से कम मिल सके, ये हमारी पूरी मांगे हैं। जो पूरे 10 दिनों में छीन दी जा रही हैं, जो हमारी कामें छीनी गई हैं, जैसे कि अमृत योजना है जिसमें हम जिसके लिए हमारे पूरे फील्ड कर्मचारी हमारे पूरे स्टाफ लगे रहते हैं हर एक चीज़ के लिए, मतलब AE हैं JE हैं उसके साथ साथ फील्ड कर्मचारी हैं साइट पर सभी लोग मौजूद रहते हैं, फिर भी उन कामों को हटा करके ये NGO को दे दिया गया है। हर जनपद में ये जल निगम के द्वारा 3 बजे समय रखा गया था कि जिलाधिकारी महोदय को हम लोग अपने तरफ से ज्ञापन देंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जाएगा सर। उसमें हमारी प्रमुख मांगे सर ये बिंदुवार जो है जिसमें सर हमारी प्रमुख मांग ये है मेन ओवरऑल कि हम लोग को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाए सरकारी विभाग घोषित किया। बुधवार को शिवपुर शहबाजगंज स्थित मलिन बस्ती में कैंप लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने लोगों से मुलाकात की और अपना संबोधन भी दिया। सरकार द्वारा दस्तक अभियान के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जिले के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि कैंप लगाकर बताने का कार्य कर रहे हैं। इस अभियान के तहत विशेष रूप से मस्तिष्क ज्वर के बारे में और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, स्थानीय पार्षद अनिल सिंह, पार्षद अफरोज खान उर्फ गब्बर सहित नगर निगम के अनेक अधिकारीगण मौजूद रहे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह और नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सरकार की योजनाओं को जनता को बताते हुए अपने अपने उद्बोधन में कहा। आज के कार्यक्रम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जिले विकास अभिकरण डूडा के अंतर्गत बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम तथा नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी और जिला नगरी विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक आदरणीय आज के कार्यक्रम के आगे तब से स्वागत अभिनंदन करता हूं और सब मई तक सरकार का निर्देश है कि सारे मलिन बस्तियों में 5 मई तक कार्यक्रम कराए जाएं और शासन द्वारा ग्राम स्वराज योजना के तहत कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया है। नगर विकास विभाग ने निर्णय लिया कि जिस प्रकार ग्राम स्वराज योजना चलेगी नगरी क्षेत्रों में भी इस योजना के तहत हम मलिन बस्तियों को विशेषकर ऐसे मलिन बस्तियां जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की बहुलता रहेगी वहां हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इन कार्यक्रम में भारत सरकार की राज्य सरकार की जो लाभार्थी परक और सामूहिक योजनाएं हैं जिनसे कि हम लोगों का विकास कर सकें मलिन बस्तियों का विकास कर सकें लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया जाए। नगर विकास विभाग ने विशेषकर नगरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सफाई व्यवस्था का अभियान चलाने का निर्णय लिया। सफाई व्यवस्था के साथ साथ नगर विभाग की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनसे आपको क्रमशः आज अवगत कराया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया गया, इसमें लाभार्थी को एक मुफ्त 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये निर्णय हुआ था कि जब प्लिंथ लेवल तक आपका बन जाएगा तब पैसा दिया जाएगा, लेकिन आवश्यकता को देखते हुए ऐसे लाभार्थी जिनके पास धन उपलब्ध नहीं है उनको भी धनराशि देने की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें किसी प्रकार ब्याज के लिए पैसे लेने की आवश्यकता न पड़े, दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इस बस्ती में भी लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है क्योंकि धनराशि क्रम से प्राप्त होती है। अभी सीमित धनराशि प्राप्त हुई है, उस धनराशि से प्रथम किस्त आप सभी लोगों को दी जा चुकी है जिसमें 1 लाख रुपए की और 9 लोगों को
50,000 रुपए की भी किस्त प्राप्त हो गई है। जैसे ही वो अपना निर्माण कर लेंगे उनको तुरंत लिंटर लेवल तक लाने पे उनको दूसरी किस्त दी जाएगी और फिर तीसरी किस्त भी जल्दी उनको मकान पूर्ण होते ही प्राप्त करा दी जाएगी। काफ़ी सारे लाभार्थियों का चयन हुआ है लेकिन सबको एक साथ पैसा नहीं आ सकता, कुछ लोगों का बनेगा, कुछ लोगों को प्रथम किस्त मिलेगी। शासन से अभी प्रमुख सचिव महोदय श्री मनोज कुमार जी आए थे, उन्होंने कहा कि धनराशि की कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने भी अपनी डिमांड भेज दी है, तुरंत हमारे पास पैसा आ जा रहा है और तुरंत हम शेष लाभार्थियों को भी पैसा उपलब्ध करा देंगे। इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जिसको पहले मिल गया उनको मिल गया, जिसको नहीं मिलेगा उनको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी को धनराशि मिलेगी, पूरी धनराशि मिलेगी। तो आप लोग जिनको नहीं मिला है थोड़ा सा धैर्य रखें, आज आपके बीच हम लोग आए हैं और आपको हम तुरंत धनराशि देने की कार्रवाई करा रहे हैं। 1,000 रुपये नगर निगम के द्वारा आपको दिया जाएगा। नगर निगम ने भी, हमारे महापौर महोदय ने उसके लिए अनुमति दे दी है और महापौर महोदय की अनुमति से 2,40,00,000 रुपये 2,000 लाभार्थियों के लिए सुरक्षित करके रख दिया गया है। तो बाकी जो पात्र हैं जिनको पैसा दिया जाएगा उनको ये धनराशि प्राप्त होगी, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि जिसके घर के बगल में सीवर नहीं रहेगा, अगर सीवर है सीवर में उसका इस्तेमाल होगा तो वहाँ 8,000 रुपये ही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो हमारा शहरी आजीविका मिशन है जिसके तहत ग्रुप हमारे गठित होते हैं, हम खुद अपने रोजगार के लिए आगे आए, ग्रुप बनाए स्व प्रेरणा से, पैसे के साथ साथ जो हमारा आत्मसम्मान होता है हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए, काम काजी महिला के रूप में हम अपने को स्थापित करें उसके लिए हमारा आजीविका मिशन है और यहाँ बहुत सफलतापूर्वक गुड़ा ने इस कार्य को कराया है। बहुत अच्छी तादाद में हमारी महिलाएं बहनें हमारी योजनाओं में जुड़ी हैं और उन्होंने रोजगार परक योजनाओं के माध्यम से अपने जीवन स्तर को उन्नत करने का कार्य किया है। धीमे धीमे जब योजनाएं माननीय मोदी जी के सामने आती चली गई तब गरीब वर्ग के लोगों को ये समझ में आया कि इन खातों का मतलब क्या है। भाजपा के सरकार के पहले भी केंद्र भारत सरकार से बहुत सा पैसा चलता था लेकिन गरीबों तक पहुंचता नहीं था। वो दुष्यंत कुमार की नज्म है, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो सारा का सारा धन रास्ते में विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ और जैसा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर 1,00,000 सैंक्शन होता था तो 15,000 रुपया गोरखपुर की किसी मलिन बस्ती में पहुंचता था, इसलिए कि कोई तंत्र विकसित नहीं था। तो मोदी जी ने पहला काम किया, देश के हर गरीब, हर दलित, हर अनुसूचित वर्ग, हर परिवार के पास अपना एक बैंक का कार्ड हो, बैंक का अकाउंट हो, वो पैसा जमा करें चाहे न जमा करें अकाउंट हो, और अगर उन्होंने 6 महीने तक लेन देन बताया तो उन्हें 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई। लेकिन असली खेल तब खुला जब माननीय मोदी जी ने कहा कि गरीब वर्ग के हिस्से का पैसा हम किसी भी बीच के बिचौलियों को उसका हिस्सा मारने नहीं देंगे और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका पैसा केंद्र, प्रदेश, जनपद, ग्राम सभा, विभिन्न रास्तों से, चलनियों से छिस्ता चला जाए, इसकी जगह हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर नागरिक के अकाउंट में सीधा पैसा चला जाए। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता इतने व्यापक स्तर पे। माननीय मोदी जी की यह कृपा थी और आप सब बहनों और माताओं को इस बात को मजबूती के साथ समझना चाहिए, यह पहली बार हुआ और ऐतिहासिक सफलता मिली। आज देश की 344 ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती हैं जिनका एक एक रुपया दिल्ली से चलता है तो सीधे आपके अकाउंट में जाकर के उतरता है। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वावधान में परशुराम जयंती का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित उनके सभागार में संपन्न हुआ,
जिसमें अधिवक्ताओं ने परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परशुराम ने राजाओं की प्रथा को समाप्त कर लोकतांत्रिक प्रथा की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के महामंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, उन्होंने रोका था उनको, मेरी स्थिति वही है, वही करने जा रहा हूँ, बाइक रखने जा रहा हूँ। जब राम जी आ गए, परशुराम जी से मुलाकात हो गई और उनके गुरु के धनुष के भंग को लेकर उन्होंने अपनी प्रचंड ढंग से प्रस्तुत किया। सबके बावजूद उनके पास स्वयं की धनुष थी, जिसको कोई दूसरा चढ़ा नहीं सकता था, जिसका चाह तो उन्होंने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, अखैचो चा मिटे संदेह। हुआ क्या के चुवत चा पर आपोई चढ़ गये हो, देख महामुनि विस्मित भयो। और कहा क्या, कहा उनका मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान सहंसा, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर हो रहा। और जय 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 रघुकुल केतु, मुनिवर गए पर ही तप हेतु। उन्होंने अपने सारी पराक्रम को, सारी क्रियाशीलता को, समाज में जो कुछ भी वो कर सकते थे, सबको दे सकते थे, तो सबको उन्होंने समेट दिया। यानी कह ले तो अपने सांसारिक सारी गतिविधियों से अपने को अलग करके तप ही तप करने के लिए मनुष्य उनकी तमाम बातें कही जा चुकी है, उसके शिष्यों की भी चर्चा हो चुकी है, वो अमर है, यह भी आ चुका है। ये सब दोहराने से मैं समझता हूँ हमारे नव दिग्गजों या नव इतिहासकारों की जो विवेचना है, ये पक्ष अलग है। उस समय यानी आपके समय में कि ब्रिटिश काल के समय, ब्रिटिश काल से जस्ट पहले के समय तक भारत में जैसे शासन की तरह से दान होते हैं, देवी उत्पत्ति का से दान, त्यागों से दान, ऐसे ही यहाँ राजा शासक होता था। ये पूरे लगभग भारत में नहीं, विश्व में था। परशुराम जी के भी समय में यह स्थिति थी। हमारे नौ व्याख्याकारों का यह मत है कि सर्वप्रथम वो महानायक हैं परशुराम जी, जिन्होंने सभी पीड़ितों को और शोषितों को, जो राजकुलों के राजकर्मियों के तमाम तरह के अत्याचारों से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, परेशान थे, उसके शिकारा कर दिए गए थे, उन सबको बड़े ही सुनियोजित ढंग से संगठन करके और निरंकुश हो चुकी, भ्रष्ट हो चुकी, आतंकवादी हो चुकी राज व्यवस्था के विरुद्ध एक जन अभियान छेड़ा था। और इसी क्रम में उन्होंने पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके लोकतंत्र की जगह जगह गणतंत्रों की स्थापना करने का कार्य किया था। और वही से जरा जया था हमारे वहाँ परंपरागत ढंग से हर वर्ष भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है और इस वर्ष भी मनाई जा रही है। भगवान पुरुष, भगवान पुरुषोत्तम ही पुरुष थे, तब उनके आदर्शों और मूल्यों को हम लोग आज इकट्ठा होकर के अपने आप विचार करते हैं, तब उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। परशुराम जयंती और सौभाग्य से इसी दिन पड़े अक्षय तृतीया के अवसर पर महानगर के अलग अलग ज्वेलरी की दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारियां की। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन खरीदारी करने से आप जो भी चीजें खरीदेंगे वो हमेशा के लिए आपके पास अक्षय निधि के रूप में संचित हो जाएगी। कुछ ऐसी ही मान्यताओं के साथ लोगों ने ज्वेलरी की दुकानों पर खरीदारियां की, जिसमें स्वाभाविक रूप से महिलाएं ही ज्यादा नजर आईं। कम या ज्यादा, थोड़ा या बड़ा, सभी ने कुछ ना कुछ आज के दिन सोने या चांदी के रूप में जरूर खरीदा। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम और सीता का विवाह भी हुआ था, और अगर आज ही के दिन दान पुण्य भी किया जाए तो उसका भी व्यक्ति पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करती हुई और खरीदारी करते आई कुछ महिलाओं ने इसके बारे में इस तरह बताया।
अक्षय तृतीया के दिन इसका ये महत्व है कि इस दिन किया गया दान पुण्य या जो भी अच्छे कर्म हम करते हैं उसका हमें अक्षय पुण्य मिलता है। अच्छा नहीं होता है। आभूषणों की खरीद में क्या इसका होता है? आभूषणों के खरीद में आज का दिन का क्या? खरीद में ये है कि जो भी हम आभूषण खरीदते हैं तो उसका भी क्षय नहीं होता है, अक्षय माना जाता है। हमारे हिंदू समाज में इसका जो है ये माना था कि यहाँ कोई भी शुभ काम बात करते हैं और उस दिन जो है सीता राम की शादी हुई थी, इसको लेकर कई बात भी करते थे, किसी ब्राह्मण से कोई कोई मुहूर्त नहीं दिखाया था, इसमें कोई भी शुभ काम हम बात कर सकते हैं उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ हैं कि थोड़ा सा शुभ काम बात कर रहे हैं और गहने की खरीद के लिए बढ़िया माना जाता है। जो भी चीज़ लेते हैं वो हमेशा के लिए रहता है, इटर्नल होता है, वो लॉस नहीं होता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए होता है। इस टाइम के लिए जो भी चीज़ लेते हैं लॉस से बचने के लिए भी लेते हैं और एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसी बारे कुछ खरीद भी जाती है, कुछ हम अर्न भी कर लेते हैं, दोनों दो साइड से इसका बेनिफिट है। इसलिए लेडीज इस टाइम को गलत कमाती नहीं है, यूज करती है। उधर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहर के प्रतिष्ठित स्वर्णकार अतुल शर्राफ ने बात की, उन्होंने भी कहा कि इस मौके पर उनको उम्मीद से भी ज़्यादा रिस्पांस मिला है और ऐसा उनके कुछ विशेष ऑफरों के नाते हुआ है। इस संदर्भ में आगे उन्होंने बताया, ये दिन आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और विशेष करके अब की बार जो मुहूर्त है ये मुहूर्त कई सालों बाद आया है, 11 साल बाद, और विशेष बात यह है कि अब की बार पूरा दिन अच्छा दिन है और इसका रुझान भी बहुत अच्छा दिखा है। पिछले 10 दिनों से कस्टमर्स का रुझान रहा है, ये लोगों ने आज के लिए सामान पसंद किया, बुक किया, उसके किनारे रखा है कि इसको आज ले जाएंगे और जैसा आज आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है, दुकानदारी में गर्माहट है। बिल्कुल बहुत अच्छी है, हम लोगों को उम्मीद है कि पिछले साल से कम 30% ग्रोथ आनी चाहिए। ब्रेक में जाने से पहले चलिए दोबारा नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 3 दशकों से बंद पड़े गोरखपुर के फर्टिलाइजर में वापस आई जान, लेवलिंग का काम हुआ पूरा, अब होगा सिर्फ और सिर्फ निर्माण। हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव की विशेष कवरेज। मंगलवार की देर रात कोतवाली के नशे में धुत सिपाही ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी रूम में की तोड़फोड़, मदहोशी में मचाया उत्पात, डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध, आरोपी पुलिस कर्मी हुआ गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इंसेफ्लाइटिस जन जागरूकता रैली को किया रवाना। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 गांव के नोडल ऑफिसर पीएन शुक्ला ने किया दौरा। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने निकाली रैली, मांगों के संदर्भ में सौंपा ज्ञापन। मलिन बस्तियों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने मनाया परशुराम जयंती, कहा लोकतंत्र की स्थापना में परशुराम का रहा था विशेष योगदान। अक्षय तृतीया पर जमकर हुई सोने और चांदी की खरीदारी, ग्राहकों से पटी रही शहर की प्रमुख ज्वेलरी की दुकानें। सनातन ब्रह्म सभा ने मनाई परशुराम जयंती, जनमानस को परंपराओं से जुड़े रहने की अपील। राप्ती कॉम्प्लेक्स में अतुल्य आयुर्वेदा के फ्रेंचाइजी एवं रिटेल काउंटर का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैनिक बंधुओं की बैठक, उनके शस्त्र लाइसेंस को भी ऑनलाइन करने के लिए दिए निर्देश। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल बने यूपी के नए SC/ST आयोग के अध्यक्ष। जल्दी बनेगा टेराकोटा गोरखपुर की पहचान, दूर होगी तकनीकी परेशानियां। और विश्वविद्यालय के MSc बॉटनी के अंतिम वर्षों के विद्यार्थियों की हुई विदाई समारोह।
हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परशुराम जयंती के अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में सनातन ब्रह्म सभा गोरखपुर की इकाई के द्वारा परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एस पी त्रिपाठी, संचालन कर रहे पी के पांडे सहित अन्य उपस्थित रहे। विचार गोष्ठी के शुरुआत के पहले परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एस के दीक्षित ने कहा कि जिस तरह से आयोजनों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बननी चाहिए ताकि हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, और इसी क्रम में आगे उन्होंने कहा, इसमें चल रहा है इसका संदर्भ आप लीजिए, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हो जाती है और उसका निर्वहन करते हैं। सनातन ब्रह्म सभा के तत्वावधान में दो कार्यक्रम प्रमुख रूप से आयोजित किए जाते हैं। 1-25 दिसंबर को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती का कार्यक्रम और अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम की जयंती का कार्यक्रम किया जाता है, और ये दोनों कार्यक्रम बहुत हमारे हिसाब से कई वर्षों से, 1 दशक हो ही गया होगा कम से कम, ये कार्यक्रम अनावरत आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं ब्रह्म सभा के सक्रिय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सदस्य हूँ लेकिन उतना सक्रिय हूँ, और विशेष रूप से प्रसन्न त्रिपाठी जी का जो कि लिए यहाँ पर जो संख्या है उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम में लोग जो है उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, जितनी उम्र है उसको बढ़ा है, और इसको थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। और भी कई स्थानों मैंने सुना है, पेपर में भी लिखा है, कई जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पॉपुलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन इस पर भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। संख्या का बहुत बड़ा बल है, और संख्या न होने से किसी चीज़ का महत्व जो है अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए चलाए जाते हैं। हम सभी इसमें ज़्यादातर लोग 60 वर्ष से ज़्यादा वय वाले हैं, रिटायरमेंट प्राप्त कर चुके हैं, नवयुवक भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो नई जनरेशन है उसके लिए अच्छा माहौल प्रदान करना, अपने जो सनातन धर्म की विशिष्ट बातें हैं उनके समक्ष रखना, और अपने जो महापुरुष हैं उनके विषय में को जानकारी देना, उनके सिद्धांतों को बताना, यही महापुरुषों के जन्म का प्रमुख अवसर होता है। बुधवार को असुरन स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर अतुल्य आयुर्वेद का उद्घाटन हुआ। अतुल्य आयुर्वेद मानकों के आधार पर अपने उत्पाद बाजार में लाई है, जिसमें शुरुआत में कंपनी ने 40 उत्पाद ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध कराए हैं। भारतवर्ष आयुर्वेद का देश माना जाता है, जहां ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से आयुर्वेद का प्रयोग करके अपनी समस्याओं से निजात पाया है।
आज भारतवर्ष में तमाम आयुर्वेदिक कंपनियां अपने अपने उत्पाद को लेकर बाजार में उतर पड़ी हैं। अतुल्य आयुर्वेद के फ्रेंचाइजी एवं फुटकर विक्रेता के रूप में केशव वर्मा प्रिंस के दुकान का उद्घाटन ज्योतिर्विद महेंद्र जी द्वारा किया गया, जिसमें राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव, आनंद त्रिपाठी, यूपी सेल्स मैनेजर अतुल्य आयुर्वेद के संजय श्रीवास्तव, आलोक वर्मा, नवीन श्रीवास्तव, डॉक्टर डीके वर्मा, कौशल वर्मा, अमरेश सिंह और गोविंद अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर डीके वर्मा ने और यूपी सेल्स मैनेजर अतुल्य आयुर्वेद के संजय श्रीवास्तव ने कहा, कितने दिन की होती है? आयुर्वेद कंपनी है जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है और ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। गोरखपुर में ये अभी लॉन्च हुआ है, यहाँ पर नया शोरूम। क्या विशेषता है यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की विशेषता ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही उच्च रखी गई है और ये हर तरह से हर रोग बहुत ही प्रभावकारी है। मार्केट में जिस तरह से आज पतंजलि छाई हुई है, तो उसके लिए क्या कंपैरिजन में क्या है आपका विशेषता क्या इसमें? क्वालिटी बेस हमारी हमारे प्रोडक्ट जो है पतंजलि से। और रेट में? रेट लगभग कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और जिसमें ह्यूमन के मतलब सारी सुविधाओं को, सारी बीमारियों को प्रोटेक्शन करता है कि बीमारी को होने नहीं देता है और जो बीमारी हो चुकी है उसकी पूरी तरह से प्राकृतिक तौर से बनाई गई दवा से उसको क्योर करता है। और प्रोफिलेक्सिस के तौर पे ये दवा आदमी लेता रहे तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं होने पाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और प्रोफिलेक्सिस के तौर पे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और उससे बॉडी को रेजिस्टेंट पावर ग्रो कर जाता है और बीमारी आदमी को दूर भागता है। ये हमारे प्रोडक्ट की खासियत है और क्वालिटी हमारी कंपनी बहुत ही उम्दा तरीके से इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और पूर्णतः स्वदेशी है और बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कम्प्लीटली हाइजेनिक प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सैनिक बंधुओं की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सहित अन्य भी कई बड़े प्रोजेक्ट आए हैं जिसमें सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा यदि मेडिकल क्षेत्र के सैनिक या उनके बाल्य हैं तो वे उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, उन्हें सेवायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। इस समय स्वच्छता अभियान भी संचालित किया जा रहा है जिसमें लीडर बनकर कार्य करेंगे तो उनके अनुभवों का लोगों को लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण का नया नियम आ गया है, इसकी एक प्रति सैनिक कल्याण कार्यालय में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब भी शस्त्र ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और उसका एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। सभी भूतपूर्व सैनिक अपने लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी से रजिस्ट्रेशन करवाकर आईडी नंबर प्राप्त कर लें, वहां से सत्यापन रिपोर्ट मंगा लें। यदि नवीनीकरण में विलंब हो गया है तो विलंब शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करा दें और नवीनीकरण करा लें। मेरे ऑफिस से यहां से आदेश हुआ था, मेरे ऑफिस से उनको लेटर भेजा गया था डिपार्टमेंट में, उनका भी कहना है कि उनके पॉइंट्स जो है टेकअप नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है प्राइस बेस्ड, प्लीज कम लाइन रिन्यूअल करना।
बेनवल बेनवल यदि किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो कोई इशू नहीं होता है। बाहर किसी के जम्मू का है, नागालैंड का है, कोई इशू हो सकता है। जम्मू से इंदौर से जल्दी से नहीं भेज दीजिए यार। किसी का लोकल रेनुअल होना पेंडिंग है तो बता रहा हूँ। जी जी बताए भाई, कॉल कर लीजिए सर। आप बताए यू आई डी मिल गया आपका? यू आई डी यहाँ से मिल रहा था, उसके लिए मैं सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिला था, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी बाबू ने नहीं किया। कहा हमारे पास ट्रांसफर हो के आ गया, लेकिन जब मैं पहुंचा था टाइम से पहुंचा था, दिसंबर तक था हमारा, और मैं इनसे कहा कि अगर हमारी तिजरी है तो जमा करना है तो आप हमारा साइन करके दे देना, अपना यही जमा कर दूँ और जाके करा के लिया। उन्होंने नहीं किया। अब 2000 रुपये पेनाल्टी हमसे मांग रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट की है और देता है, डिले नहीं होता। लेकिन तिजरी के लिए फॉर्म का स्टैम्प चाहिए, इनका सिग्नेचर चाहिए, तब जो क्रेडिट लेता है। इन्होंने कहा जब तक ऑनलाइन नहीं हो जाएगा आपका हम जमा नहीं करेंगे, जबकि ऑनलाइन की डेट 31 मार्च तक थी। 15 वो हमको जमा नहीं करने दिया है। बाबू कह के हम नहीं करेंगे। एक दिन भी डिले होते हैं उस पर मिनिमम लगता है यार पेनाल्टी। मैं पता करता हूँ नया एक्ट के हिसाब से। अब एक दिन भी डिले करते हैं पेनाल्टी उतना ही है सर। ठीक है, 3 महीने भी डिले करेंगे सर, आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर सीईओ कहता है, देख लें, बाबू ये कहता है कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हमने देखे इसका किस बात का है। सरकारी खाते में पैसा जा रहा है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल को अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम आपको बताते चलें कि ब्रिजलाल उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। डूडा की ओर से गोरखपुर की शिल्प कला की शान माने जाने वाले टेरा कोटा की प्रदर्शनी का आयोजन शिवपुर शहबाजगंज में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और टेरा कोटा के खिलौनों को लोगों के सामने अपनी अनोखी जादुई कारीगरी के माध्यम से रखा। अपने दर्शकों को हम बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद की योजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसी एक उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाकर उसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी और वो उत्पाद उस जिला विशेष की पहचान बनेगा। इसी संदर्भ में टेराकोटा गोरखपुर की पहचान बनने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ अभी दिक्कतें आ रही हैं, जिस पर हमारे संवाददाता ने टेराकोटा से खिलौने बनाने वाले महिलाओं से बात की। इस संदर्भ में महिलाओं ने कहा, जरूरत है जागरूकता चिपकाने के लिए। जहाँ छोड़ छोड़ गोली मार दीजिए ना, परेशानी तो ये मिट्टी मिलता ही नहीं जल्दी, पैसे भी ज्यादा परेशान है हम लोग। तो अभी आप किसी से बातचीत हुआ इस मामले पे? नहीं नहीं, बात तो किसी से नहीं हुआ सर, बात तो नहीं हुआ। हाँ, ये लोग ऐसा हम लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं। मट्टी हम लोग खरीद के लेके आते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए हम लोग को कुछ पैसा सरकार के तरफ से, कि हम लोग ये काम थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा है नहीं कि हम लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मदद मिले कि हम लोग ये काम आगे बढ़ा सकें। ऊपर से मट्टी भी हम लोग को मिलती नहीं है, मट्टी के लिए बहुत हम लोग के साथ है, रुकावट हो गया है।
नहीं सर, अभी तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है, इसीलिए हम लोग के पास बहुत परेशानी। ये तो मिट्टी मिलती तो मिट्टी भी नहीं मिल रही है, मिट्टी भी रुकावट हो गई है, कहीं से मिलती नहीं है। यहाँ पे महापौर महोदय आए हैं, नगर आयुक्त महोदय आए हैं, अब इनसे बातचीत हुई इस मामले पे? नहीं सर, अभी तो बात हुई नहीं है इनसे। यही हम लोग की मिट्टी मिल जाती तो हम लोग का काम कुछ सहायता होता। बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में बॉटनी की एमएससी के अंतिम सेमेस्टर की छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। विदाई समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रोफेसर गण उपस्थित रहे। विदाई समारोह में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। चलिए चलने के पहले हमेशा की तरह नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 3 दशकों से बंद पड़े गोरखपुर के फर्टिलाइजर में वापस आई जान, लेवलिंग का काम हुआ पूरा, अब होगा सिर्फ और सिर्फ निर्माण। हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव की विशेष कवरेज। मंगलवार की देर रात कोतवाली के नशे में धुत सिपाही ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी रूम में की तोड़फोड़, मदहोशी में मचाया उत्पात, डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध, आरोपी पुलिस कर्मी हुआ गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इंसेफ्लाइटिस जन जागरूकता रैली को किया रवाना। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 गांव के नोडल ऑफिसर पीएन शुक्ला ने किया दौरा। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने निकाली रैली, मांगों के संदर्भ में सौंपा ज्ञापन। मलिन बस्तियों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने मनाया परशुराम जयंती, कहा लोकतंत्र की स्थापना में परशुराम का रहा था विशेष योगदान। अक्षय तृतीया पर जमकर हुई सोने और चांदी की खरीदारी, ग्राहकों से पटी रही शहर की प्रमुख ज्वेलरी की दुकानें। सनातन ब्रह्म सभा ने मनाई परशुराम जयंती, जनमानस को परंपराओं से जुड़े रहने की अपील। राप्ती कॉम्प्लेक्स में अतुल्य आयुर्वेदा के फ्रेंचाइजी एवं रिटेल काउंटर का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैनिक बंधुओं की बैठक, उनके शस्त्र लाइसेंस को भी ऑनलाइन करने के लिए दिए निर्देश। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल बने यूपी के नए SC/ST आयोग के अध्यक्ष। जल्दी बनेगा टेराकोटा गोरखपुर की पहचान, दूर होगी तकनीकी परेशानियां। और विश्वविद्यालय के MSc बॉटनी के अंतिम वर्षों के विद्यार्थियों की हुई विदाई समारोह। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो तब तक के लिए करिए इंतजार और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर न्यूज़। नमस्कार।